The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab. Sat Sri Akal, dosto, kaise hain aap? Main Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, thand ke mausam mein kai logo ko joint pain hota hai. To आज बात करेंगे कि जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, उंगलियों में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द ठंड के मौसम में क्यों बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों को जिनको कोई चोट लगी है, इंजरी है, आर्थराइटिस है। तो ऐसे में टेम्परेचर ड्रॉप होते ही एक दिन बारिश आई, ठंडा ठंडा मौसम हुआ, एकदम से बदला, जॉइंट पेन शुरू। ये क्यों होता है, इसके ऊपर काफी स्टडीज की गई हैं और इसके रिसर्च साइंटिस्ट और मेडिकल फील्ड इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि काफी सारी चीजों के मिक्स्ड का रिजल्ट है ये, और इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, एयर का प्रेशर होता है, यानी वेट ऑफ एयर जो मेजर किया जा सकता है, उस एयर का प्रेशर अगर ठंड आ जाती है, ठंड ज्यादा से आ जाती है, बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है ड्रॉप कर जाता है। इसके वजह से आपकी बॉडी पे बाहरी प्रेशर कम हो जाता है, इसके वजह से आपकी मसल्स, आपकी जॉइंट्स, आपका टेंडन्स, इवन आपके स्कार टिश्यूज जो हैं उसमें हल्की सी सूजन आती है, हल्का सा वो रिलैक्स होते हैं, बाहर का प्रेशर कम, रिलैक्स होते हैं। इसके वजह से पेन एलिसाइट हो सकता है, पेन बढ़ सकता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर बढ़ेगा ना, जब सब कुछ सूजेगा, जगह तो कमी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा फैलेगा तो प्रेशर बढ़ जाता है, दैट इज वन रीजन। और कई बार अगर टेम्परेचर चेंज नहीं भी हो, सिर्फ बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ जाए, सिर्फ हवा का प्रेशर बढ़ जाए, तब भी लोगों को पेन हो सकता है। और ये जितना जल्दी चेंज होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर, उतना ज्यादा पेन होता है। हाई ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर ज्यादा होता है, यानी बारिश के साथ ठंडी होती है, तो और ज्यादा जल्दी आपका पेन होता है, वो ह्यूमिडिटी भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। उसके अलावा आपके जॉइंट्स के अंदर पानी होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, कहीं जिसे ग्रीस बोलते हैं सिंपल भाषा में, वो ठंडे टेम्परेचर में थोड़ा सा थिक हो जाता है, जैसे पानी जम जाता है वैसे ही वो थोड़ा थिक, गाढ़ा हो जाता है। इसके वजह से जॉइंट थोड़े स्टिफ महसूस होते हैं, थोड़े ज्यादा पेनफुल महसूस होते हैं। कई बार ठंड के मौसम में जो ब्लड है, खून है, वो आपके हाथों से, आपके पेरिफेरल जॉइंट से, बिकॉज ऑफ वेसो कंस्ट्रिक्शन, खून की नसियां सुकड़ने की वजह से बहुत जल्दी अंदर आ जाता है, वाइटल ऑर्गन्स को गर्म रखने के लिए, हार्ट को, लंग्स को, दिमाग को। सो ऐसे में ये जो हाथों के जॉइंट्स हैं या कोने कोने वाले पैरों के जॉइंट्स हैं, वहां पर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जो कि ब्लड सप्लाई उनको गर्म रखने के जरूरी है, तो वहां ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है, वहां का टेम्परेचर जल्दी ड्रॉप हो जाता है, इसलिए हाथ पैर ज्यादा ठंडे लगते हैं, इसलिए वहां पर जॉइंट्स जो है वो जल्दी दुखने लगते हैं और जल्दी अकड़ जाते हैं। सो ये भी रीजन है। और कोल्ड अपने आप में मांसपेशियों को भी टाइट कर देता है, मसल्स भी जल्दी जल्दी टाइट हो जाते हैं, स्पाजम में जाते हैं, फ्लेक्स होते हैं, खासकर अगर कोई डिहाइड्रेटेड हो तो पानी भी लोग कम पीते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। सो दिस मेक्स यू लेस फ्लेक्सिबल एंड अल्टीमेटली ज्यादा इंजरीज हो सकती है और ज्यादा पेन होता है। सो इतनी सारे कारण है। और विंटर में कई बार बिकॉज दिन छोटे हो जाते हैं, लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, कंबल में बैठे बैठे खाते पीते हैं, अल्टीमेटली उसके वजह से भी कई बार वजन बढ़ जाता है और कई बार नेगेटिव मूड्स हो जाते हैं, डिप्रेशन, सैडनेस हो जाता है, इन सब चीजों की वजह से घुटनों में भी दर्द और शरीर में दर्द शुरू हो सकते हैं। आउटडोर्स टाइम कम हो जाता है, इनडोर्स टाइम ज्यादा हो जाता है, एक्सरसाइज कम हो जाती है, अगेन लीड्स टू मोर स्टिफनेस, खासकर एक उम्र के बाद जो आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हाथ पैर चलते रहते हैं, नहीं कर पाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। प्लस विटामिन डी की कमी ऑलरेडी लोगों में है, धूप में अब जाते नहीं, धूप आती नहीं, विटामिन डी की और कमी हो जाती है, एंड अगेन आप फिर से उसी वजह से पेन बढ़ सकता है। सो इन सारी चीजों के लिए क्या करें, गर्म कपड़े पहने, हैट्स पहने, स्कार्फ पहने, ग्लव्स पहने, वार्मर्स पहने, गर्म घर गर्म रखें अपना, और अगर घुटना है घुटने के टाइम पे टाइट कपड़े, टाइट लेगिंग्स आप पहन सकते हैं, रैप्स पहन सकते हैं, एंकलेट्स पहन सकते हैं, और अपनी सर्कुलेशंस को बढ़ाने के लिए घर के अंदर ही एक्सरसाइज करें, घर का कमरा गर्म कर रखिए, गर्म रख के उसमें एक्सरसाइज करिए, अच्छे कपड़े पहन के, ज्यादा
चाहे जैकेट पहन के एक्सरसाइज करिए, चलिए फिरिए, दौड़िए, जॉगिंग करिए, जो भी आपकी क्षमता है, और मूविंग अपना हिलना डुलना बंद नहीं करिए। एक्सरसाइज मांसपेशी में खून दौड़ाता है, जॉइंट्स में प्रेशर कम करता है, योगा स्ट्रेचिंग भी बहुत हेल्प करता है, बॉडी मसाज भी बहुत हेल्प करता है। डोंट पुश योर बॉडी, बट डोंट पुश योर बॉडी टू हार्ड। धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाइए, अपना पानी ज्यादा पीजिए, गर्म गर्म पानी पीने की, गर्म या थोड़ा नॉर्मल कुनकुना पानी, गरम चाय, ऐसी गरम चीजें खाने पीने की कोशिश करिए, उससे बॉडी गरम रहेगी। नींद अच्छी लीजिए पर बहुत ज्यादा नहीं। स्टे पॉजिटिव, डिप्रेशन से दूर रहिए। अपने हेल्थ, अपनी डाइट, अपने बॉडी, अपने वेट, अपने दिमाग, अपने इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपको जॉइंट पेन नहीं होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर मदद हुई है इस वीडियो...